नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ कलर्स कोड टू आइडेंटिफाई हेजार्ड फॉर इफेक्टिव सेफ्टी यानी कि सेफ्टी इफेक्टिव के लिए हेजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कलर कोड का यूटिलाइज कैसे करना है हम कलर कोडिंग के जरिए हेजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे सेफ्टी में इफ़ेक्ट उसका आ सकता है उसी के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज सब्जेक्ट कोड 102 सेफ्टी इंजीनियरिंग वन और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है हाउ आर कलर्स यूज टू आइडेंटिफाई हज़ार यानी कि हज़ार को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कलर्स का कैसे यूज़ करना है और कलर कोड टू आइडेंटिफाई हजार फॉर इफेक्टिव सेफ्टी यानी कि सेफ्टी इफेक्टिव के लिए आप कलर कोडिंग का यूटिलाइज करके हज़ार को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं तो कलर कोडिंग इज मोस्ट डिजायरेबल एंड यूजफुल फॉर सेफ्टी पर्पज़ यानी कि सेफ्टी पर्पज़ आप कलर कोडिंग करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई हेजार यानी कि जो हेज़ार को आइडेंटिफाई करना है उसका स्टैंडर्ड कलर रहता है उसको आप यूटिलाइज करके हजार जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसे आप सेफ्टी में इफेक्ट ला सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो रेड कलर फायर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन यानी कि कोई प्रोहिबिशन एरिया है तो वहाँ पे रेड कलर होता है फायर प्रोटेक्शन होता है तो वहाँ पे रेड कलर होता है कोई डेंजर है कहीं पे जहाँ पे ज्यादा खतरा है तो वहाँ पे रेड कलर आपको दिखाई देगा जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप का हेजार्स रहता है इमरजेंसी स्टॉप है तो वहाँ पे रेड कलर यानी आपको आगे नहीं बढ़ना है ऑन मशीन्स रेड क्रॉस ऑन मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि मेडिकल फैसिलिटी के अंदर भी रेड कलर का क्रॉस रहता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आपने अभी तक मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिए बेलाइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो रिलीज होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी सारा सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस विथ वीडियो टाइटल रखा हुआ है आप उसमें से जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं अभी वीडियो में आगे बढ़ते कि येलो कलर अगर रहता है तो क्या क्या हो सकता है रिस्क डेंजर और क्वेश्चन यानी कि जहाँ पर जहाँ पे, पे सूचनाएं रहती है जहाँ जहाँ खतरा रहता है वहाँ पे येलो कलर का यूटिलाइजेशन होता है हेजार्स ऑफ स्लीपिंग यानी कि जहाँ पे स्लिपिंग हेजार रहता है वहाँ पे येलो कलर हो सकता है फॉलिंग हेजार्स है वहाँ पे हो सकता है स्ट्राइकिंग एट्सेट्रा फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज रहता है वहाँ पे येलो कलर रहता है येलो बैंड ऑन सेफ्टी कैंस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वर्सा लिफ्ट ट्रक्स क्रेन्स ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट ऑब्स्ट्रक्शन चेंज इन फ्लोर लेवल सभी जगह पे आपको येलो कलर जो उसका एक स्टैंडर्ड रहता है जिसकी वजह से आपको एज आइडेंटिफिकेशन का मालूमत हो सकता है अगर ग्रीन कलर है तो क्या है सेफ्टी इक्विपमेंट नोट आइडेंटिफाई एल्सवेर सेफ्टी बोर्ड सेफ्टी कंडीशन ये सभी आपको ग्रीन कलर की वजह से आप हेजार आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लू कलर है अगर तो वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन साइन यानी कि इंफॉर्मेशन साइन जहाँ पे रहता है और वार्निंग रहता है वहाँ पे ब्लू कलर रहता है बुलेटिन बोर्ड्स हो रेल रोड यूजिस हो इट इंडिकेट्स सेफ्टी कलर ओनली इफ यूज विथ ए सर्कुलर साइन यानी कि सर्कुलर साइन जो रहता है वहाँ पे भी ब्लू कलर्स हो सकता है ऑरेंज कलर का कहाँ यूज होता है डेंजरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स यानी कि मशीन का जो डेंजरस पार्ट रहता है वहाँ पे और एनर्जाइज इक्विपमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट के अंदर पावर है एनर्जाइज है सच एज एक्सपोज एजिस ऑफ कटिंग डिवाइसिस इनसाइड ऑफ मूवेबल गार्ड्स एनक्लोजर डोर ट्रांसमिशन गार्ड इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऐसी जगह पे आपको ऑरेंज कलर के जरिए आप इसको हज़ार जो उसका रहता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप का खतरा रहता है पर्पल -पर कलर अगर है तो रेडिएशन हेजार रहता है ब्लैक एंड वाइट कलर की बात करें तो हाउस कीपिंग एंड ट्राफिक मार्किंग यानी कि हाउस कीपिंग पे ब्लैक एंड व्हाइट रहता है और ट्राफिक सिग्नलिंग जहाँ पे रहता है उसका जो मार्क रहता है वहां पे ब्लैक एंड वाइट कलर आपको जैसे कि रास्ता हो गया रोड पे हो गया या उसका बंप कोई है वहीं पे आपको ब्लैक एंड वाइट कलर नज़र आएगा ऑल्सो यूज एज कॉन्ट्रास्ट कलर और इसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का भी यूज़ किया जाता है थैंक यू दोस्तों